ये हमारे पास कुछ डिजिट लिखे हैं, एकदम आराम से पढ़ो। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए हो सकता है कहीं पे कुछ डिफिकल्टी क्रिएट हो। मुझे क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं। और इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं। पहली कंडीशन कहती है कि हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन कहती है कि हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। और कित हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, देयर आर 5 डिजिट्स विच आर गिवन टू अस, एंड टेकिंग दीज 5 डिजिट्स वी हैव टू फ्रेम ए 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। और मुझे पता है कि ये 3 डिजिट नंबर में ये हमारा यूनिट प्लेस होगा, ये टेंस प्लेस होगा, और ये हंड्रेड्स का प्लेस होगा। और इन्हीं डिजिट्स को लेना है। कंडीशन दो रखी है कि हम डिजिट्स को रिपीट भी, यहाँ पे क्या है, डिजिट्स रिपीट किए जा सकते हैं फिर, या डिजिट्स का रिपीटेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो हम पहली कंडीशन की बात करें, अगर डिजिट रिपीट किए जा सकते हो तो देखो, यहाँ देर आर 5 डिजिट्स आर गिवन टू अस। तो अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें, इस प्लेस की बात, तो दीज 5 नंबर्स कैन बी प्लेस्ड हियर, मतलब ये हमारे पास इस डिजिट को फिल करने के कितने वेज हैं, 5 वेज, आउट देर आर 5 वेज। ये 5 वेज हैं जिनको कि हम यूज करके, ये 1, 2, 3, 4, 5, देर आर 5 नंबर्स, दोज कैन बी यूज हियर, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शन इसको भरने के कितने हैं, 5। अब ये हमारी डिजिट कंप्लीट हो गई। अगर मैं इस 10 वाली डिजिट के पास आऊँ, इसको कंप्लीट करना है, तब अगेन वी हैव 5 नंबर्स। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिजिट यहाँ पे यूज हो चुकी है वो भी यहाँ पे आ सकती है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो ऑल द 5 डिजिट्स कैन बी यूज हियर। और यहाँ पर भी 5 ऑप्शन है। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड एंड 5 डिजिट्स आर गिवन टू फिल ऑल द थ्री प्लेसेस, इन 3 प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं, हाउ मेनी वेज वी कैन डू सो, मतलब इसमें कितने डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं। तो क्या होगा, 5 × 5 × 5, या 5 की क्यूब। 5 क्या था, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट था, और प्लेस कितने थे, 3। मतलब यहाँ पे 5 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक थ्योरम के फॉर्म में भी मिलेगी ये। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। 3 है ये नंबर ऑफ प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 थे और प्लेस 3 थे, तो वैल्यू क्या हो गई, 5 की क्यूब। अगर मान लेते हैं हम इसको एन से रिप्रेजेंट कर दें और इसको पी से रिप्रेजेंट कर दें, तो एन की पावर क्या हो जाएगी, पी। ये फार्मूला बन गया, कब, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, यहाँ जैसे यहाँ पर दिख रहा है नंबर, ये सारे नंबर क्या है, डिफरेंट नंबर हैं, और हम डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हैं, चाहे जितनी बार ये नंबर यहाँ पर आया, कोई नंबर यहाँ पे आता है तो उसको हम यहाँ पर भी उसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये हमारे पास एक थ्योरम के फॉर्म में, आगे एक थ्योरम मिलने वाली है वो इसी फॉर्म में आएगी, कि इफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, सपोज ऑब्जेक्ट्स आर एन, नंबर ऑफ प्लेसेस आर पी, देन द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन दैट विल बी एन की पावर पी। आगे बात करेंगे इस थ्योरम की। मेरा यहाँ पे क्या हो गया, पी 5 की क्यूब, और इसे लिखोगे तो 125 × 5, 125 आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, एक इसका और पार्ट।
इसका सेकेंड पार्ट, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते. इट मीन्स वन डिजिट इज यूज्ड वंस, इट कैन नॉट कम्स अनदर टाइम. मतलब एक बार अगर हम डिजिट को यूज कर लेंगे उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते. One minute. Yes, Deepa. Deepa, you can ask to me. Yes, bolo. आवाज नहीं क्लियर हो रही, एक बार फिर से बोलो क्या बोल रही हो. वॉइस नहीं क्लियर है, प्लीज रिपीट योर वर्ड्स. अपने एक बार फिर से बोलो क्या बोल रही हो. दीपा नहीं दिख रही है. चलो देखो दोबारा इसको मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है कि डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है. रिपीट करने का मतलब है कि हम ये फाइव डिजिट्स है, जैसे एक बार मैंने फाइव यूज कर लिया, सपोज यहाँ पे मैंने फोर यूज किया तो यहाँ पर भी मैं फोर यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी फोर यूज कर सकता हूँ, सॉरी नहीं कर सकता हूँ, यहाँ फोर यूज कर लिया इसके बाद मैं इसको दोबारा नहीं लिख सकता हूँ, एक बार यूज हो गया तो हो गया. तो जैसे अब यहाँ, हाँ यस यस बोलो. तो देखो ये फाइव डिजिट्स है हमारे पास, तो फाइव डिजिट्स में मान लेते हैं इस हम यूनिट प्लेस से चालू करें, तो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास, हमने अभी कोई डिजिट नहीं फिल की है, तो हमारे पास इसके लिए फाइव ऑप्शन है. इन फाइव डिजिट्स में से फाइव की फाइव यहां पर फिल की जा सकती हैं इस प्लेस पर. अब अगर मैं यहां पर आऊं इस प्लेस पर तो एक डिजिट यहां पर कंप्लीट हो चुकी होगी, एक आ चुकी होगी, तभी मैं टेन वाले प्लेस पर आऊंगा उसको कंप्लीट करने के लिए. तो इसका मतलब एक डिजिट कम हो चुकी होगी, कोई भी इन फाइव डिजिट में से एक डिजिट हम यूज कर चुके होंगे यहाँ पे. तो इसके बाद इसका मतलब हो गया कि इस प्लेस को, ये जो टेन वाला प्लेस है उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास फोर ऑप्शन है. और इसको अगर मैंने कंप्लीट कर लिया है तो एक डिजिट यहां पर भी आ चुकी होगी, तो दो डिजिट हमने आउट ऑफ फाइव टू डिजिट हमारी यूज हो चुकी है. अब अगर इस डिजिट पे आएंगे तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी मुझे एक डिजिट यूज करनी है, तो दो डिजिट हम आउट ऑफ फाइव टू डिजिट यूज हो चुकी हैं, तो यहां पर हमारे पास थ्री ऑप्शन बचेंगे. तो अब देखो यहां पर मुझे क्या, यहां पर था मुझे फाइव, ये फाइव थे ऑब्जेक्ट्स, और ये कहा गया कि हम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो और थ्री डिजिट हमको फॉर्म करनी है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, 3 × 4 × 5, ये कितना हो जाएगा 60 वेज. यहां पर भी वही कंडीशन, ये टेंस का प्लेस है, सॉरी यूनिट प्लेस, ये 10 वाला और ये 100 वाला. इसका लिखने का वे कैसा होगा, मतलब इसको हम क्या थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे, जैसे सपोज इसी का मुझे आंसर लिखना है, मैं सबको तो यहाँ पे एक दो आंसर में लिख के बता दे रहा हूँ कि इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये थ्योरेटिकल लिखना है. जैसे अब ये बताएंगे सोल्यूशन लिखना है सपोज. हाँ यस अभिषेक सहनी, क्या प्रॉब्लम है बोलो, यस यू अनम्यूट योर सेल्फ. अभिषेक सहनी हाँ बोलो, क्या अनम्यूट, सर अनम्यूट ही है. हाँ तो बोलो क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम कर, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, बार बार ऑन ऑफ, सर ऑन ऑफ कर रहे हो तो पूछ रहा हूँ. नहीं हाँ तो अपने को म्यूट कर लो.
वो लिखने का थोड़ा थ्योरेटिकल वे में लिखेंगे, फॉर द यू फॉर द थ्री यूनिट डिजिट, थ्री डिजिट नंबर, एक दो मैं लिख के समझा दे रहा हूँ, एक एक थ्री डिजिट नंबर वी यूज थ्री डिजिट्स आउट ऑफ फाइव। अब इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये सेकंड वाले के लिए, फॉर यूनिट प्लेस वी हैव फाइव ऑप्शंस, सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई फाइव वेज। अगेन फॉर टेंस प्लेस देयर विल बी फोर ऑप्शंस इन ब्रैकेट एज वन डिजिट has been used already for unit place। Further, for hundredth place there will be three options, so the total ways by multiplication theorem is 5 into 4 into 3, it is 60. आंसर तो खाली यहां तक लिख दिया वो भी दिखेगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आंसर ऐसा दिखेगा, लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्या सौरभ महाराज, तुम्हें बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है, कहाँ गए, गायब? हाँ सौरभ, हाँ बोलो सौरभ। नीचे लिखा है सो द टोटल वेज बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखा है लास्ट में, सो द राइट हैंड, सो द टोटल वेज बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सर यस बोलो सर, इसका एग्जांपल नंबर 4 भी बता दीजिएगा एक बार। ठीक ठीक, एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर जैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आगे, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, पढ़ लो। फोर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट टू फ्लैग इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन द वर्टिकल स्टाफ इफ फाइव डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। मतलब सपोज हमारे पास फाइव फ्लैग्स अवेलेबल हैं और एक सिग्नल जनरेट करना है, बनाना है, जिसमें कि दो फ्लैग्स हमें यूज करने हैं। मतलब सिग्नल बनाने के लिए क्या करना है, दो फ्लैग एक के बीच, एक के नीचे दूसरा लगाकर हमें सिग्नल फॉर्म करना है।
तो कितने डिफरेंट वेज से डिफरेंट कलर्स का सिग्नल बन सकता है, उसने ये पूछा है। हमारे पास अवेलेबल फ्लैग्स कितने हैं, फाइव फ्लैग्स आर हियर, फाइव, और एक के नीचे दूसरा दो कलर के फ्लैग लगाकर सिग्नल बनाना है। तो चूंकि फाइव ही फ्लैग्स हैं, तो अगर मान लेते हैं हमने इस अपर पार्ट के लिए एक कलर चूज कर लिया, तो अपर पार्ट के लिए चूज करने के लिए हमारे पास फाइव ऑप्शन है, क्योंकि तब तो कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, कोई भी नहीं चूज किया गया होगा, तो फर्स्ट पार्ट के लिए फाइव ऑप्शन हो गए। अब एक कोई मैंने फर्स्ट अपर पार्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया होगा, चूज कर लिया होगा, तो इसके लिए हमारे पास फोर ऑप्शन हो गए नीचे वाले पार्ट को चूज करने के लिए। तो अगर हमसे पूछा जाए कितने डिफरेंट वेज से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के सिग्नल जनरेट कर पाएंगे, तो बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 5 × 4 दैट विल बी 20 वेज, 20 वेज के डिफरेंट सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं। एक बार फिर से कुछ नीचे वाला भी तो 5 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, एक कलर तो तुम्हारे पास ऊपर अपर पार्ट के लिए हो गया ना, अब उसको कैसे रिपीट कर पाओगे। सपोज जैसे फिर से एक बार क्वेश्चन समझो, जैसे हमारे पास सपोज कि 5 फ्लैग डिफरेंट डिफरेंट रखे हुए हैं, अगर मैंने अपर पार्ट के लिए एक फ्लैग डिसाइड कर लिया, तो अब उसे नीचे कैसे मैं यूज कर पाऊंगा। तो एक तो डिसाइड हो गया, अपर पार्ट के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन हो गए, कोई भी एक ले सकते हैं। सपोज मैंने अपर पार्ट से चालू किया, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन हो गए। अब एक डिसाइडेड हो गया, मतलब उसको मैंने हटा दिया उस कलेक्शन से। अब इसको मैं चूज करने जाऊंगा, तो उन्हीं 4 में से कोई लूंगा ना इसमें, तो 5 × 4 20 हो जाएगा, 20 वेज। यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इट इज गिवन टू अस डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहां पर भी 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट इवन नंबर, और डिजिट्स किन डिजिट से यूज करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 डिजिट यूज करके 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। अब जरा देखो, यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि यूनिट प्लेस ये 10 का है और ये 100 का। हमको पता है कि अगर किसी को इवन नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, उसके यूनिट प्लेस से डिसाइड करते हैं। अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके यूनिट प्लेस पर इवन वैल्यू दिख रही है, इवन नंबर दिख रहा है, तो हम उसे इवन नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब ये जैसे ये 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ का नंबर ये इवन यूनिट प्लेस डिसाइड करेगा कि ये इवन है कि ऑड है। यहाँ 3 होगा तो ऑड हो जाएगा, 2 होगा तो इवन हो जाएगा। जैसे कोई 3 डिजिट नंबर है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, अब यहाँ का जो प्लेस होगा वो डिसाइड करेगा। यहाँ 2 लिखोगे तो इवन हो जाएगा, 1 लिखोगे तो ऑड हो जाएगा। मतलब ये इवन और इस प्लेस के इवन और ऑड होना इस टोटल नंबर के इवन और ऑड होने पर डिपेंड करेगा। तो अब पहली चीज है कि इसे मुझे इवन बनाना है। ये उसने लिख रखा है कि नंबर कैसा होना चाहिए, ये हमारा इवन होना चाहिए। तो अगर हम इस प्लेस के लिए देखें, तो इन्हें जो 6 नंबर दिए हैं उनमें 3 इवन हैं, ये है 2 है, 4 है, एज वेल एज 6 है। मतलब इन नंबर्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा तो जो डिजिट फॉर्म होगी वो इवन की कंडीशन को फॉलो करेगी। तो अगर मान लेते हैं सपोज, अब यहाँ पे कंडीशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन, व्हेन इन यूनिट प्लेस 2 इज गिवन, अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, फर्स्ट व्हेन इन यूनिट प्लेस There is 2. अब इसमें पहला नंबर मैंने चूज कर लिया, जब यहां पर हमने 2 फिल कर दिया, इन नंबरों में से एक नंबर 2 यहां पे आ गया। अब देखो, उसने पहले ही बता रखा है कि हम डिजिट्स का रिपीटिशन कर सकते हैं। मतलब ये 2 मैंने यहां पर यूज कर लिया, तो हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं, यहां पर भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो 10 का प्लेस है, 10th प्लेस, ये यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस को किससे भर दिया, 2 इस नंबर 2 से फिल कर दिया,
अब इसके इसको फिल करने के लिए हमारे पास आउट ये सिक्स ऑप्शन हो गए, और इसको भी फिल करने के लिए हमारे पास सिक्स ऑप्शन, मतलब आउट ऑफ दीज सिक्स नंबर्स एनी नंबर कैन बी प्लेस्ड हियर। सो देयर आर सिक्स ऑप्शन फॉर 10 प्लेस, सिक्स ऑप्शन फॉर 100 प्लेस। सो द टोटल वेज, टोटल वेज 6 × 6 दैट विल बी 36। अगेन सेकेंड कंडीशन इसकी, व्हेन यूनिट प्लेस इज फिल्ड बाय 4, यूनिट प्लेस को 4 से फिल कर दिया, यहां पे 4 भर दिया। अब फिर से यहां पर इस 4 को भी यहां यूज कर सकते हैं, तो मतलब टोटल 6 हैं, तो 6 में 6 यहां पे आ सकते हैं, यहां पर भी आ सकते हैं। तो टोटल वेज इस कंडीशन के लिए 6 × 6 इट विल बी आल्सो 36। एंड थर्ड, व्हेन यूनिट प्लेस इज फिल्ड बाय 6, मतलब ये 6 नंबर से हम यूनिट प्लेस को, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 6 आ जाए, तब ये 6 यहाँ पे आ गया। अब फिर से इसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए 6 वेज, तो टोटल वेज यहाँ पर भी 36 हो गए। अब देखो ये भी इवन नंबर दे रहा है, पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, टोटल वेज 6 × 6 दैट इज 36। देखो ये भी पूरा रिजल्ट दे रहा है, ये भी पूरा रिजल्ट दे रहा है, यहाँ पर भी इवन नंबर वाली कंडीशन कंप्लीट हो जा रही है, और यहाँ पर भी इवन नंबर वाली कंडीशन कंप्लीट हो जा रही है। तो मैंने दो थ्योरम पढ़ाई है, कौन सी, एक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और दूसरी है एडिशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है कि एक इवेंट को फॉलो करते दूसरी इवेंट हो, तो उस कंडीशन पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स सभी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एडिशन इवेंट कहती है कि अगर हर इवेंट कंप्लीटली अपना रिजल्ट दे रहे हो, तो उस कंडीशन में किसी भी एक इवेंट के होने की कंडीशन उनका समेशन होगा। अब देखो यहां पर भी हमारा रिजल्ट कंप्लीट है, फर्स्ट कंडीशन में हमको इवेंट नंबर मिल गया, हमको इवेंट नंबर चाहिए था, यहां से कंप्लीट हो गया, यहां से भी कंप्लीट हो गया, यहां से भी कंप्लीट हो गया, तो हम इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब सब क्या है अलग अलग अपने रिजल्ट को कंप्लीट कर दे रही, तो अगर हम बोलेंगे टोटल कितने इवेंट नंबर बने, टोटल वेज 36 + 36 + 36 दैट इज 108 वेज। ये कहां से आया, ये एडिशन थ्योरम से आया, ये जो ये वैल्यू कहां से लिख रहे हो 6 × 6, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिख रहे हो, मतलब इसी इसमें क्या हो गया है, दोनों थ्योरम हमने यूज कर ली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? हमको क्या करना, 4-letter का कोई code form करना है, और first 10 letters English alphabet के A to J use करने हैं। फर्स्ट 10 लेटर्स, अब यह 4-letter कोड है, 1, 2, 3, 4, और यह भी बता रखा है कि जो एक बार लेटर आ जाएगा उसे हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो अब मान लेते हैं मैं यहां से चालू करूं, ये स्ट्रीम राइट पॉइंट है, तो अब यहां पे अगर मान लेते हैं मैं सबसे पहले इसी को फिल करने जा रहा हूं, तो हमारे पास 10 में से 10 ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी एक लेटर रखा जा सकता है,
मतलब ये काम यहाँ भी चालू कर सकते हैं, यहाँ भी किसी भी एक एंड से मैंने सपोज कर लिया कि मैं इससे चालू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 10 ऑप्शन हो गए। अब एक लेटर कोई यहाँ पे आ जाएगा मेरा और उसको मैं यहाँ पर नहीं यूज कर सकता हूँ, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 9 ऑप्शन बचेंगे। फिर यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुके, उन 2 को मैं यहाँ पे नहीं यूज कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे 8 बचा, और इस यहाँ पर 3 यूज हो चुके हैं, यहाँ पे 7 बचा। तो द टोटल वेज टेन नाइन एट सेवन 90 5040 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पीछे कट ही जाता। 5040 अभी नहीं दिख रहा। 10987 5040 क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9। 0 से 9 तक की डिजिट यूज करनी है और एक टेलीफोन नंबर बनाना है। कंडीशन क्या है, ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस, कि हर नंबर हमारा किससे चालू हो, बिगिन हो 67 से बिगिन हो, और रिपीटिशन अलाउ नहीं है, मतलब 67 सिक्स और 7 हम यूज कर चुके होंगे, उन्हें दोबारा यूज नहीं करना है। 0 to 9 टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगे, 10, 1 to 9 9 हो गए, 0 भी इंक्लूड कर दिया, तो 10 डिजिट हमारे पास हैं और 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। एवरी टेलीफोन नंबर बिगिन विद 67, मतलब फर्स्ट प्लेस को फिक्स कर रखा है, सेकेंड प्लेस को फिक्स कर रखा है, और ये कंडीशन है डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, आर नॉट रिपीटेड, हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। देखो अब फर्स्ट प्लेस के लिए और सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास ऑलरेडी फील्ड नंबर है, मतलब इनको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी नंबर बिगिन करेगा वो 6 और 7 के साथ ही बिगिन करेगा। रिमेनिंग 3 प्लेसेस, इन 3 प्लेस पे मुझे नंबर फिल करने हैं, तो अब यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर भी 2 नंबर हमारे पास कम हो गए। फॉर 3 प्लेसेस डिजिट्स आर 10 - 2 दैट विल बी 8, मतलब यहां पर इन 3 प्लेस को कितने, क्योंकि 2 नंबर तो ऑलरेडी हम 0 to 9 में 10 नंबर थे, 2 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो हम 8 ही डिजिट में यहाँ यूज करेंगे। तो इसके लिए अगर मैं सपोज मैं यहाँ से बिगिन कर रहा हूँ अपना नंबर फिल करना, तो 8 वेज यहाँ पे हो गया, 7 वेज यहाँ पर हो जाएगा एक, क्योंकि एक यूज हो चुका होगा यहाँ पे, और 6 यहाँ पे हो जाएगा। सो द रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड एट इंटू सेवन इंटू सिक्स एट इंटू सेवन इंटू सिक्स 56 इंटू सिक्स 336 आंसर इज हियर 3 इसका आंसर कितना आएगा 336
लास्ट में देखो लिखा क्या है, सो द रिमेनिंग थ्री प्लेसेस कैन बी फिल्ड, यही 876336। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइव सॉरी नॉट सिक्स। अब जरा क्वेश्चन देखो क्या करा है, एक क्वाइन है उसे थ्री टाइम्स टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, आउटकम में कितने पॉसिबल रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो सकते हैं अगर हम क्वाइन को थ्री टाइम टॉस करें तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स कैन बी रिकॉर्डेड कैन बी जनरेटेड। अगर एक क्वाइन को, तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हो, एक क्वाइन को दो बार टॉस, एक बार टॉस करें तो हमारे पास आउटकम्स कितने आएंगे, टू, वन इज द हेड एंड अदर इज टेल। आउटकम माने रिजल्ट कितने हो सकते हैं, क्वाइन टॉस किया जाएगा तो एक रिजल्ट क्या है, हेड का आने का रिजल्ट है, दूसरा टेल आने का रिजल्ट है। तो फॉर वन टॉस रिजल्ट्स, या दूसरे वर्ड में जिसे आउटकम्स बोलना है, टू, और मुझे क्या करना है, इसे थ्री टाइम टॉस करना है, तीन बार इसे उछालना है। तो तीन बार जब उछालेंगे तो तब उस कंडीशन में कितने डिफरेंट रिजल्ट के जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है, क्या होगा, टू फॉर थ्री टॉसेस, टू इंटू टू इंटू टू एट, क्योंकि थ्री टॉस के बाद हमको रिजल्ट देना है। एक टॉस हुआ दो रिजल्ट आ गए, फिर दूसरी टॉस हुआ फिर दो रिजल्ट आए, तीसरी टॉस हुआ फिर दो रिजल्ट हमारे पास आएंगे। तो आफ्टर थ्री टॉसेस वी हैव 2 × 2 × 2 दैट विल बी 8 रिजल्ट्स। और चाहो तो इसे लिख कर भी बताया जा सकता है कैसे हो सकता है। आगे एक चैप्टर पढ़ने, लास्ट वाला चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर हम तीन बार टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, किस किस तरह की कंडीशन जनरेट हो सकती हैं, वो हम देखेंगे। एंड द लास्ट इज, जिस तरह का क्वेश्चन अभी पूछा था कि फाइव फ्लैग्स आर डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स। मतलब हमारे पास अगर हमको एक सिग्नल जनरेट करना है जिसमें कि टू कलर यूज करने हैं, फ्लैग्स कितने हैं, फाइव हैं हमारे पास, मतलब देर आर डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स इन द नंबर ऑफ फाइव, फाइव नंबर के डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं, और सिग्नल जनरेट करने के लिए दो फ्लैग की जरूरत पड़ेगी। अभी अभी इसी तरह क्वेश्चन की बात हुई, तो अब इस जैसे मान लेते हैं दो कलर के फ्लैग, एक के नीचे दूसरा लगाना है या एक के बगल दूसरा लगाना है, तो अब इसके लिए मुझे क्या, जैसे एक कलर मैंने चूज कर लिया, तो पहला कलर चूज करने के लिए हमारे पास फाइव ऑप्शन है, दूसरे कलर को चूज करने के लिए, मतलब शुरुआत में तो मैं एक फर्स्ट कलर को चूज करूंगा, फर्स्ट कलर के लिए फाइव ऑप्शन हो जाएंगे, और नीचे वाला कलर या बगल वाले के लिए हमारे पास फोर ऑप्शन हो जाएंगे। द टोटल वेज 5 × 4 इट इज 20 वेज। अब यही सब चीजें मैं प्रमोटेशन पढ़ाऊंगा, इन्हीं क्वेश्चनों को प्रमोटेशन से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। देखो फार्मूला लगाने के बाद भी यही सलूशन मिल रहा है, ऐसा ये मिलेगा, फार्मूला नहीं लगा रहे थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से यूज कर रहे थे तब भी यही मिल रहा था, फार्मूला यूज करोगे तब भी यही रिजल्ट मिलने वाला है। आगे जो एक्सरसाइज पढ़ने वाली है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रमोटेशन, तो प्रमोटेशन के फार्मूला, प्रमोटेशन एक्सप्लेन करने के बाद, फार्मूला ड्राइव करने के बाद, मैं इसी फार्मूले से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा कि देखो यहाँ से इससे भी ऐसे हो जाएगा। समय तो बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा एक चीज मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज द फैक्टोरियल नोटेशन। ये बहुत ही
फैक्टोरियल, वो टाइम नहीं है, कल भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। फार्मूला तो इतनी जल्दी नहीं ड्राइव हो पाएगा। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, देखो सपोज मुझे 1, 2, 3, 4 ये चार नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम चाहें तो इनको एक ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है ये लाइन और नीचे फुल स्टॉप टाइप का, जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बनाते हैं उसी तरह का ही। या फिर इसको दूसरा ढंग होता है जो बुक में तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा भी लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल फोर। इट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4 देर आर फोर नेचुरल नंबर्स, चार नेचुरल नंबर, ये किस पे लागू होगा, नेचुरल नंबर्स पे लागू होगा। अगर कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो जो सबसे बड़ी डिजिट वहां दिखेगी उसको फैक्टोरियल फॉर्म में